Hello students, we have studied the whole of the chapter, the whole of the first chapter in the book Flamingo, the last lesson. Now, I will discuss and explain the meanings of the difficult words one by one. After the explanation of the meanings of the difficult words, on the next turn, we will do questions with their answers. Today, let me explain the meanings of the difficult words. Dread. D-R-E-A-D, dread. Dread means fear. Dar ka matlab hota hai bhay, fear. Scolding. Scolding matlab daat phatkar, chiding. Chirping. Ye jo chidiyan chahchahati hai na, to uske liye word chalta hai. Chirping matlab twittering. Sawmill. Sawmill का अर्थ होता है ये लकड़ी फाड़ने की जो का जो कारखाना होता है, आरा मशीन जिसको अपनी भाषा में बोलते हैं, उसको सामिल कहते हैं. आरा मशीन का कारखाना जो होता है उसको सामिल. प्रशियन. प्रशियन का मतलब ये है, यहाँ पर प्रशियन से तात्पर्य है जर्मनी से. ड्रिलिंग. ड्रिलिंग का मतलब परेडिंग, जैसे मिलिट्री होती है ना, मिलिट्री के जवान जो होते हैं वो ड्रिलिंग करते हैं, तो ड्रिलिंग का अर्थ है परेडिंग, परेड करना. टेम्पटिंग माने लालच देने वाली. एंटाइसिंग. टेम्पटिंग मतलब एंटाइसिंग, लुभावनी. रेसिस्ट. रेसिस्ट का अर्थ है यहां पे कंट्रोल. रेसिस्ट मींस कंट्रोल, रोकना, नियंत्रित करना. हरीड ऑफ. हरीड ऑफ मतलब जल्दी से भागा. वेंट अवे इन ए हरी. बुलेटिन बोर्ड. बुलेटिन बोर्ड का अर्थ होता है न्यूज बोर्ड. जैसे न्यूज बोर्ड होता है, जैसे कॉलेज में न्यूज बोर्ड लगा है, बुलेटिन बोर्ड लगा है जिस पर आचार्य जी समाचार लिखते हैं, तो उसको बुलेटिन बोर्ड कहते हैं, न्यूज बोर्ड जिसको कहते हैं. तो बुलेटिन बोर्ड मीन्स न्यूज बोर्ड. ड्राफ्ट. ड्राफ्ट का मतलब है आउटलाइन ऑफ समथिंग, किसी चीज की आउटलाइन, मतलब प्लान, योजना, प्रारूप आप कह सकते हो. ब्लैकस्मिथ. ब्लैकस्मिथ को हम अपनी भाषा में लोहार कह सकते हैं, लोहार जो लोहे के औजार बनाता है. ए पर्सन हु मेक्स आयरन टूल्स. अप्रेंटिस अगला वर्ड है. अप्रेंटिस. अप्रेंटिस मतलब शिक्षार्थी, ट्रेनी, जो कोई काम सीखता है उसको अप्रेंटिस बोलते हैं. तो अप्रेंटिस मींस ट्रेनिंग. बब. बब का मतलब है बॉय. आउट ऑफ ब्रेथ मींस गैस्पिंग. जैसे कभी जब क्या होता है, जब आप दौड़ते हैं तो आप गैस्पिंग करने लगते हैं, माने हाफ जाते हैं, हाफने लगते हैं, तो उसके लिए चलता है आउट ऑफ ब्रेथ मतलब गैस्पिंग.
जल्दी जल्दी सांस लेना इस तरीके से, तो ये गैस्पिंग। इन यूनिसन मीन्स ऑल टुगेदर, माने एक साथ। रैपिंग, रैपिंग मतलब थम्पिंग, जैसे कोई चीज होती है ना, तो वो मिस्टर हैमेल जो थे उनका जो स्केल था उसको क्या करते थे, वो रैपिंग करते थे इस तरीके से। तो रैपिंग का मतलब थम्पिंग। ये स्टिल, स्टिल मतलब साइलेंट। फिर कमोशन, कमोशन का अर्थ है शॉर्ट पीरियड ऑफ नॉइज एंड कंफ्यूजन। शोरगुल का जो पीरियड होता है उसको कमोशन बोलते हैं। फिर टेरेबल, टेरेबल मतलब भयानक, हॉरिबल। फ्राइटेंड, फ्राइटेंड का अर्थ है स्केयर्ड, भयभीत। फ्राइटेंड मतलब भयभीत। फ्राइट, फ्राइट का अर्थ है भय, फियर। फिर एक वर्ड है फ्रिल्ड, FRILLED, फ्रिल्ड। फ्रिल्ड का अर्थ होता है झालरदार, झालर लगी होती है ना, जैसे किसी कपड़े की स्ट्रिप होती है तो उसमें झालर लगी होती है उसको कहते हैं। तो वो अगर उसमें स्ट्रिप, जो स्ट्रिप है, जो अगर उसमें बहुत सारे झालर लगी होती है, क्लॉथ की फोल्ड्स लगी होती हैं, तो उसको फ्रिल्ड कहते हैं। फ्रिल्ड का अर्थ है विद लॉन्ग नैरो स्ट्रिप ऑफ क्लॉथ विद फोल्ड्स, ए लॉन्ग नैरो स्ट्रिप ऑफ क्लॉथ विद फोल्ड्स। फिर है एम्ब्रॉयडर्ड, एम्ब्रॉयडर्ड मतलब डेकोरेटेड एंड स्टिच्ड विद पैटर्न्स, जिसमें कसीदा की कढ़ाई की गई हो, कसीदाकारी हो, उसको एम्ब्रॉयडर्ड कहते हैं। मिस्टर हैमिल की जो कैप थी वो एम्ब्रॉयडर्ड कैप थी। सॉलेम, सॉलेम का मतलब है सीरियस, गंभीर। फिर है प्राइमर, प्राइमर जो ABC जो बुक, पहली जो शुरू की किताब होती है जिससे बच्चे वर्णमाला सीखते हैं, अल्फाबेट सीखते हैं, उस बुक को हम प्राइमर कहते हैं। ए स्मॉल बुक फॉर लर्नर्स। फिर है रेचेज, रेचेज का मतलब है अनफॉर्चुनेट पर्सन्स, माने दुर्भाग्यशाली व्यक्ति। स्लाइडिंग, स्लाइडिंग का अर्थ है फिसलना, मूविंग स्मूथली। उसके बाद क्रैंकी, क्रैंकी का मतलब है क्रेजी, सनकी, क्रेजी। फिर अमेज्ड, अमेज्ड मींस सरप्राइज्ड, चकित। फिर है गेजिंग, गेजिंग मतलब लुकिंग इंटेंटली, माने एकटक देखना, गेजिंग। फिर चैंटेड, चैंटेड मतलब रिसाइटेड, गाया, रिसाइटेड मतलब गाया। ट्रम्बल्ड, ट्रम्बल्ड माने शू, कोई चीज जब कांपती है ना तो ट्रम्बलिंग कहते हैं ना, तो वही उसी वर्ड से ये बना है, ट्रम्बल्ड, ट्रम्बल से ट्रम्बल्ड सेकंड फॉर्म, शूक। फिर इमोशन, इमोशन मतलब स्ट्रॉन्ग फीलिंग, तीव्र इच्छा, तीव्र भावना। एंजेलस, ये एक प्रकार की घंटी, ए बेल रंग फॉर प्रेयर्स, जो प्रार्थना के लिए बजाई गई घंटी होती है उसको एंजेलस बोलते हैं। चोक्ड मतलब ब्लॉक्ड, अवरुद्ध हो गया। फिर है गो ऑन, गो ऑन मतलब कंटिन्यू, जारी रखना। फिर ये फ्रेज है वाइव ला फ्रांस, वाइव ला फ्रांस का मतलब है लॉन्ग लिव फ्रांस।
जिंदाबाद फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद, वाइवला फ्रांस। लीन्ड, लीन्ड मतलब बेंट, बेंट का अर्थ है झुका हुआ, जैसे हम झुक कर कुछ उठाते ना, तो झुकने वाली जो कुछ पोस्चर होती है, स्थिति होती है, उसको उसके लिए प्रयुक्त होता है लीन्ड मतलब बेंट। फिर जेस्चर, जेस्चर मतलब साइन, प्रतीक। डिसमिस्ड मतलब क्लोज्ड, डिसमिस्ड का यहां पर अर्थ है क्लोज्ड। तो इस तरीके से आज मैंने आपको इन मीनिंग्स को एक्सप्लेन भी आपको कर दिया है। ये मीनिंग्स आप अपने रजिस्टर में नोट कर लीजिएगा, मैं इसका पीडीएफ आपको भेज रहा हूँ, और ये मीनिंग्स आपको लर्न भी करने हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे।